नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों मैं खबर बता देता हूं आपको, सब इंजीनियर जूनियर इंजीनियर से रिलेटेड जो वैकेंसियां हैं वो जल्द ही आने वाली हैं। उनकी क्या क्या संख्या रहेगी उसके बारे में आड़े टेढ़े जो आंकड़े हैं वो सरकार क्या उनके मंत्री बताते रहते हैं। अभी मंत्री जी का एक ट्विटर हैंडल पर आप देखेंगे कि 900 वैकेंसियों के बारे में है। वहीं असिस्टेंट इंजीनियर की जो वैकेंसियाँ उसके बारे में भी उन्होंने एक ट्वीट कर दिया है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। जैसे कि आप जाएंगे यहाँ पर, जब जैसे ही आप सर्च करते हैं जो मंत्री जी हैं हमारे प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, ठीक है, ऊर्जा मंत्री है मध्य प्रदेश शासन में प्रद्युम्न सिंह जी, तो वहाँ कर ट्विटर हैंडल पर जाइए। पहले तो नंबर पर आपको ये दिखेंगे ही हमारे मामा जी, जिन्होंने वैकेंसी अभी तक नहीं निकाली है। वहीं पावर जनरेटिंग कंपनी के जो हेड हैं वहीं पर उन्होंने जो मीटिंग ली हुई है उसके विषय में देख लीजिए कि क्या क्या जो प्रावधान है वो उन्होंने बताइए। तो जस्ट एक घंटे पहले ही उन्होंने ट्वीट किया है कि 900 जो रिक्त पद हैं जूनियर इंजीनियर के उन पे क्या किया जाए, कर्मचारी चयन मंडल के साथ में मतलब होंगे। तो यहाँ पर निश्चित ही इलेक्ट्रिकल की बात हो सकती है क्योंकि ये ऊर्जा मंत्री हैं, तो हो सकता है इनकी खबर रही हो, इनको 900 इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के जो पद हैं वो निकाले जाएंगे। चलिए अच्छी बात है। वहीं असिस्टेंट इंजीनियर की जो भर्ती हैं तो ये गेट के माध्यम से अब कराएंगे। अब पीएससी से इलेक्ट्रिकल की इसीलिए कोई वैकेंसी इस बार नहीं निकाली गई है क्योंकि वो गेट के माध्यम से होगी। तो जिन्होंने गेट नहीं दिया उनका काफ़ी अच्छा नुकसान होने वाला है इलेक्ट्रिकल वालों का। वहीं सिविल वालों का एमपीआरडीसी में हो चुका है एमपीबीडीसी के रूप में, उन्होंने अच्छा तगड़ा जो नुकसान है वो अभी झेल चुके हैं क्योंकि लगभग 58 वैकेंसी यदि आती तो पीएससी में ऐड हो जाती हैं, लेकिन वो हाथ पे धरे बैठे रहे और सरकार का कोई विरोध नहीं करता है। तो इस प्रकार से जो वैकेंसियाँ हैं सरकार मनमाने तरीके से अनाप शनाप निकालती रहती है, जबकि मध्य प्रदेश में एक आयोग बना हुआ है मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, तो उसके माध्यम से ये एग्ज़ाम नहीं कराते हैं बल्कि गेट के माध्यम से जो है वैकेंसी फिल कर रहे हैं। वहीं बात की गई है कि कुछ जो कर्मचारी हैं जैसे अपर लेवल के, मान लीजिए सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हैं, चीफ इंजीनियर हैं और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, तो उनकी जो भर्ती है वो नहीं होती है, उनको सीधा प्रमोट किया जाता है। तो अब जो भी रिटायर्ड की कगार पे हैं तो उनको अब क्या एक्सटेंशन दे दिया जाएगा, उनको संविदा पे रख लिया जाएगा। तो इस प्रकार से क्या है, ना तो ये प्रमोशन कर रहे हैं किसी कर्मचारी का और ना ही वैकेंसी निकाल रहे हैं। लगभग अप्रैल में एग्ज़ाम हो जाना था, अभी तक ना ही नोटिफिकेशन आया है और ना ही कोई खबर है उसकी, बस ट्विटर के माध्यम से घोषणाएं कर दी और आपका जो है मन बहला देते हैं। तो ये पूरी खबर थी, जल्द ही आपको खबर मिलेगी तो मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा। तो आप सभी का शुक्रिया चैनल से जुड़े रहने के लिए।